दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं खुद भी खैरियत से हूँ। आज हम जाने लगे हैं जी सी व्यू पे, जो कि एक पिकनिक पॉइंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज हम उसका विजिट करने जा रहे हैं। मेरे साथ अनीस भाई हैं, और अभी हम जो है असन भाई का पता करेंगे। असन भाई को कॉल करके देखते हैं, असन भाई आते हैं कि नहीं। और अस्सलाम वालेकुम असन भाई, पता कर लो अगर जाना है। देखते हैं ये असन भाई को कॉल करने लगे हैं, देखे हैं आते हैं कि नहीं। बैल जा रही है, उठा ले रहे। अच्छा चलो घर से पता करते हैं। चलो घर से चले, फिर हम आपको मिलते हैं। असन भाई के अभी घर जाने लगे हैं, वहां से उसको उठाएंगे और फिर हम जो है साथ चलेंगे। यार इतने दिन के बाद आज ही तो निकले हैं। ये ना गिरा दें। नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, मेरे कॉल नहीं उठा रहे। अब पता लग गया इनको कि आज शायद मैंने पैकेज किया हुआ है। भाई इंसान असन भाई, क्या हाल है असन भाई, किधर है आप? अरे यार हम जा रहे थे फोटोशूट करने। फोटोशूट पे नहीं, वैसे ही जा रहे हैं करने। तो जाना है, मैं और आपसे सी व्यू का प्लान है। हाँ चलें फिर, हम आपकी शॉप पे ही आ रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं एसन की शॉप पे, हमें मिल गई इजाज़त। बाइक चला, मास्क जरूर पहननी है अपना। ओ मैं बावला हो गया। ये देखिए ट्राईपॉड को कैसे पहन रहा था, आंखों पे नहीं लगाना। भाई हम ना ट्राई कर रहे हैं, अभी न्यू वायरस आया ना, तो हमने ये चल जाने दे। साथ राम नाल यार मोहब्बत से जा रहे हैं। अरे भाई मूड है जान का, चलते हैं। सही है का? हाँ बस सब्जी वगैरह लाने। उस लाग अगर भाई के ज्यादा देना तो चल गया। तुझे कितने जाना है? अच्छा सी व्यू, मैं क्या चक्कर लगा ले, छुट्टियां हो गया था। ये देखिए जी, अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं एहसन भाई के घर के बाहर। एहसन भाई तो आ गए हैं, अनीस जो है वो मेरी बाइक लेकर गया हुआ है काशिफ को लेने। बस अभी पता नहीं कब आएगा, ये हमेशा ऐसे ही करता है, बाइक लेके चला जाता है और फिर आने का नाम नहीं। हमें तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं, अभी भी उसके आने का कोई इरादा नहीं लगता कि वो आएगा। चलो जी वेट करते हैं उसका। अभी हम उसका वेट कर रहे हैं, देखो आ जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये हमने मास्क पहने हैं कोरोना की वजह से, आप भी जरूर पहने क्योंकि एहतियात जरूरी है। जी जी एहतियात, और हाथों को साफ रखें और पांच वक्त नमाज पढ़िएगा। नमाज पढ़े क्योंकि हमारा मानना है कि जो पांच वक्त नमाज पढ़ता है उससे कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन एहतियात फिर भी जरूरी है। जी अनीस भाई आ जाओ यार। ये देखे ये हमारा हीरो आ गया है, 15-20 मिनट वेट करवाने के बाद। और ये साथ हमारे साथ काशी भाई भी आ गए हैं, तो अभी हम जाने लगे हैं सी व्यू पे। चलो बैठो, चलें काशी भाई। चलो भाई।
चलाओ यार वो उठा ले ट्राइपॉड उठा ले भाई काशी वो ट्राइपॉड हां एसन को ना चलो यार चलाओ बाइक चला ना बाइक चला क्या हुआ ये चलाएगा अनीस बैठो फिर बैठो जिंदा जिंदा मैंने ये वीडियो दे बेची जाएगा ये वीडियो से जाएगा अच्छा चल यार काशी बैठ चल बैठ काशी ओ ये है हमारे फतेहपुर का रोड स्टैंडर्ड ऑफ पीजीस ओ स्टैंडर्ड ऑफ पीजीस याद आया कुछ भाई अपनी बस इन्होंने भेज दी वापस ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਈ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੀਐਲਸੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸ ਹੈ ਮਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਹਮਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਰੀ ਬਾਬੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ यहाँ पे हम जो है लगे हैं 550 का बहुत है करवा ले वो कहेंगे उन्होंने नुकता थोड़ा सा इधर कर दिया है 1000 पूरा होता है वो 10000 पूरा होता है नुकता है चलो यार नुतका नुतका चुपता बैठो यार तो गाइस यहाँ पर हम सी व्यू पे पहुँच चुके हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी हम यहाँ पर जो है विज़िट करने आए हुए हैं बाइक ले जा अंदर ये इधर जमन है और ये आसिफ भाई उससे पंगा ले रहे हैं अगर ये इनको पै गया पड़ गया हमारी टूटी फूटी उर्दू ये देखे जी ये यहाँ पे उस्मान शाह लोगों ने जो है झील बनाई हुई है मुझे इसका नाम नहीं आ रहा था कि इसको क्या कहते हैं अभी उस्मान शाह ने मुझे बताया कि इसको झील कहते हैं चुपके से बताया कि कैमरे में ना आ जाए शुक्रिया उस्मान भाई यहाँ पे इन्होंने फिश भी रखी हुई है हाँ देखते हैं फिश भी अनीस आओ अभी हम आपको फिश दिखाते हैं इसमें ये देखें गाइस आपको फिश दिखाती हैं इसमें ये फिश है पांच छह वो देखो यहां पे पता नजर आती हैं कि नहीं ये अभी पानी थोड़ा सा वो है
पानी थोड़ा सा गंदा है इस वजह से नजर नहीं आ रही। अनीस अगर यहाँ पे हो ना करीब फिर नजर आए। हाँ इसको नीचे से उठाओ ना। तो ये झील बनाई हुई है अभी यहाँ पे सामा लोगों ने जो है कश्तियाँ भी यहाँ पर रखी हुई हैं। वहाँ पे जो कश्ती के जरिए वहाँ पे जाएंगे। अभी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो फिर भी मैं यहाँ पे जो है वीडियो बनाऊँगा। पिकनिक पॉइंट है, कोई भी जो है यहाँ पर आ सकता है। तकरीबन गर्मियों में ये स्टार्ट हो जाएगा। स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं, वो भी अभी तैयार हो रहा है, वो भी तकरीबन गर्मियों में, इसी गर्मियों में जो है वो तैयार हो जाएगा। वो देखे एहसन और काशिफ। ठीक हो? काशिफ ऑन मोड है, सामान लिया चुका हुआ है। आसिफ यहाँ से चलते हैं। सो गाइस अभी हम आपको जो है ये सारी झील का जो है चक्कर लगवाते हैं। ऊपर से एहसन, अनीस और काशी भाई मेरे साथ हैं, जो कि अपनी बातों में लगे हुए हैं। अनीस आज मेरा साथ दे रहा है। जी जी हम आ गए हैं अभी। ये देखिए ओए ध्यान से। जी 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 आज हम विजिट कर रहे हैं जी। आज हम विजिट करने आए थे। मैंने सोचा था कि इनके जो ऑनर है उनसे आपकी बात करवाऊंगा, लेकिन वो जो है ऑनर अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो बात कर सकें। उन्होंने बोला है कि अभी आप वीडियो बना लें, फिर किसी दिन आप आ जाना तो फिर जो है मैं आपसे जो है बात कर लूंगा। ये हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं। हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पे पहले रहते थे, अभी जो है यहाँ पे पेट्रोल पंप के साथ जो है यासीन वाला वहाँ पे शिफ्ट हो गए। ये देखें बहुत ही जबरदस्त जगह है, पिकनिक पॉइंट है। ये देखें जी बहुत ही जबरदस्त। आसिफ व्लॉग के साथ, आसिफ प्रोडक्शन, मैंने नाम आसिफ प्रोडक्शन पे अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आसिफ व्लॉग पे कर ही नहीं रहा उसका, मुझे उसका पासवर्ड ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या पासवर्ड था, उस पे डालेंगे अभी। चलें ठीक है। तो ये इन्हें बतके दिखाएं भाई। ये देखें जी आपको मैं बतके दिखाता हूँ। देख यार कितना प्यारा व्यू आ रहा है, जबरदस्त। जूम कर लाना बत्तखा नु। नहीं नहीं आ जाओ। सब चुप है। काशी भाई आप भी कुछ बोले ना, आप इस मुंह से बोले। मजा आ रहा है भाई, आ जा जी। आप इधर बहुत ज्यादा, यानी कि ये हमारे एंकर पर्सन है, फ्यूचर एंकर पर्सन एहसन। एहसन भाई ये चलो कि आजकल नए नए वो जो फ्लावर्स हैं वो ऑरेंज फ्लावर्स ये बन रहे हैं, और इसकी वजह से जो ऑरेंज इनके ऊपर ही लगते हैं इनके बाल। ये देखिए जी ये इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है, कलियों जैसी खुशबू है। जिस माल्टा वा मौसमी है की है, ये कहते मौसमी कहते हैं, मौसमी कहते। ये देखें जी हमें नहीं पता ये किसका बूटा है, माल्टे का है या मौसमी का है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फूल लग गए हैं। यहाँ पे जो है अभी माल्टे लगना स्टार्ट होंगे। ये देखें, अरे यार हाथ ना लगाओ खराब हो जाएंगे। देखें बहुत ही प्यारा व्यू है इधर, बहुत ही जबरदस्त। अभी हम जो है यहाँ से चक्कर लगाएंगे, वो चक्कर लगा के उस तरफ जाएंगे तो, और उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे घर। अच्छा वो आपको बता सकते हैं कि वो मछली ने अंडा दिया हुआ है, वो देखें ऊपर। वाकई? हाँ वो देखो यार व्हाइट कलर का अंडा। अच्छा देखते हैं फिर। आ नीस उस साइड पे भी काफी अंडे हैं, लेकिन कसम से ये देखें ये अंडा है, ये ऐसा ने अंडा दिया है, ये अंडा ऐसा ने दिया है। ये देख मैं अभी यहाँ पे गिनने लगा था अंडे के चक्कर में, ये मुझे एहसन ने बोला है कि जो है ना फिश ने अंडा दिया है, लेकिन इसने जो है माल्टे के पौधे से उसका फूल उठा के जो है तोड़ के वो इसमें इसने फेंका है, और दूर से ऐसे लग रहा है जैसे अंडा हो। आपको बताते चलें ये जो फिश होती है स्पर्म छोड़ती है,
ओ मेरे जहन में नहीं है। अच्छा नहीं यार, एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चला कसम से। मैं आ जाए आ जाए, इतना आप एंजॉय कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं यार, कसम से नहीं, मेरे जहन में ही नहीं। चले यार, अच्छा चले इस साइड का व्यू देते हैं। चला उसके बाद फिर मैडम ने मेरे जहन में भी नहीं था कि स्पर्म छोड़ती है मेंढक भी और ये भी। जी 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 जी, कसम से मेरे जेंजरी तू जी तो क्या था, मैं तो होता क्या, मैं वाकई जहाँ पे अभी कश्तियाँ भी हैं लेकिन वो अभी जो है स्टोर में रखी हुई हैं। अभी मैं आपको मोर भी दिखाता हूँ, यहीं पे हैं। जब ये तैयार हो जाएगा ना तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा, यहाँ पे जो है बहुत ही मज़ा आया करेगा। अभी तो जो है बन रहा है, जब बनेगा तो उसकी भी वीडियो मैं बनाऊँगा। अभी यहाँ पर बतके रखी हुई हैं, वहाँ पर जाने के लिए जो है कश्तियाँ का भी इंतज़ाम है, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं रखी। जब ये तैयार होगा फिर वो यहाँ पर लेकर आएंगे। जी आपको बताते चलें कि ये अभी अंडर प्रोसेस है, और जब इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा तो फतेहपुर का सबसे अच्छा पिकनिक पॉइंट बन जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशेज रखी हैं, उसके अलावा यहाँ पे डक्स हैं, कि एक नदी और एक झील का माहौल यहाँ पे दिखा रहे हैं, और ऊपर उन्होंने घास वगैरह लगाया हुआ है कि वो उसकी वजह से इनके अच्छा व्यू बने। इसके अलावा इस साइड पे आप देखें कि बहुत ही अच्छी किस्म और अच्छी बात ये है कि ये फतेहपुर से ज्यादा दूर भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, करोड़ रोड पे तकरीबन फतेहपुर से 5 किलोमीटर के फासले पर है। और आप जब भी विजिट करें फतेहपुर तो लाजमी तौर पर इस व्यू को भी आप देख के जाइएगा। इस गर्मियों में ये बन जाएगा। इन्होंने बहुत ही अच्छी किस्म की खजूरें लगाई हैं, और ये सऊदी अरब से उन्होंने इंपोर्ट की थी, और वो वाली जी जी वो वाली सारी ये सऊदीया से इंपोर्ट हुई है। चला और ये बहुत ही अच्छी, दरअसल मुझसे ज़्यादा नॉलेज जो है एहसन भाई को है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहली दफ़ा आया हूँ। एहसन जो है वो पहले एक दो चक्कर तकरीबन, हाँ तीसरी बार आए हैं मेरे साथ, मुझसे पहले दो चक्कर लगा गए थे। अभी ये अंडर प्रोसेस है, और इसकी वजह से जी ये देखें झील में जो पानी जाता है वो टॉपर के जरिए जाता है, ये देखें। चले अब वो मोर देखें। नाज़रीन फ्रेंड्स, अब आपके साथ जुड़ते हैं काशी भाई, जो के पाक आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्यूचर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फ्यूचर के ये इंशाल्लाह। काइंडली फॉर योर इंफॉर्मेशन, भाइयों के लिए दुआ हमेशा होनी चाहिए। फास्ट आईएसएसबी लास्ट ईयर, माशाल्लाह। तो क्या बना, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया? मेरिट नहीं बना, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। कोई याद नहीं, आप जानते हैं कि ये इन्होंने पीएमए का नहीं दिया था, ये जीडीपी पायलट का दिया था। जी, और हमारे भाई साकिब भाई भी अभी जीडीपी पायलट में है ना। मजे की बात है, ये वो वाला साल 2020 जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेके आया, क्योंकि हमारे सिटी में इतने ज्यादा लेफ्टिनेंट और कैप्टन बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन इसकी बार बहुत ही ज्यादा हमारे भाई उसामा शाह, और इनके अलावा साकिब भाई, इनके अलावा हमजा भाई, इनके अलावा, और जिसकी वजह से एहसन को भी शौक पड़ा है आर्मी में जाने का। और आपको नाज़िम बताते चलें, नाज़िम आपको बताते चलें कि एक अहद वफाई ऐसा ड्रामा है जिसने पूरी जिंदगी लाइफ चेंज कर दी है। अब छुट्टियां हैं, यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हैं, और यूनिवर्सिटी का जो काम, ये देखें ये बोलता लड़कियों से भी ज्यादा बोलता है। एहसन तरीके से हमने नहीं किया, मेरा नाम भी एहसन है, और इतने एहसन तरीके से हम यूनि का काम नहीं करते। चुप कर जा, चुप कर जा, लेके शाम तक पीएमए की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा पानी पिलाओ, आईएसएसबी की भी अभी से तैयारी की हुई है, इसको कोई पानी पिलाओ, नहीं दिया फिजिकल नहीं दिया, अल्लाह आपको कामयाब करे, बस चगर चुप कर जा। ये आपको बताते चलें, ये मोर है, ये आई थिंक ब्लू शोल्डर है, और आपको बताते चलें इधर उकाब भी है। आपको इसके बारे में जो है आपको एहसन भाई बताएंगे, क्योंकि एहसन भाई को इस बारे में ज्यादा नॉलेज है, मुझे इस बारे में नहीं पता। ब्लू शोल्डर है और ये पेयर है, बल्कि सेट है ये। अच्छा ये एक, ये मादा है, दो अच्छा, मादा है और वो नर है, और ये ब्रीड पे आए हुए हैं, और आई थिंक तकरीबन इसी माह ब्रीड स्टार्ट कर देंगे। और आपको वो सामने दिखाते चले, वो काब है, ये अभी प्रोसेस सारा चल रहा है ना, तो अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। ये देखें ये काब है, और ये सुबह और शाम और दोपहर को ये एक कबूतर खाता है।
ना कर जी, सुबह दोपहर शाम तीन हिस्से कबूतर दिए जाते हैं। वो देखे वो नीचे इंसानों को तो कुछ नहीं कहता जी, वो देखे वो कबूतर नहीं जिंदा कबूतर डाल देते इसको, नहीं नहीं इसको यानी के जिंदा करके दे देते हैं या इसे यानी के अंदर छोड़ दिया जाता है जिंदा, वो कुछ नहीं होता उसका कोई नहीं, इसकी खुराक है ना। वो देखे वो आपको वो जरा जूम करें वो उससे तो वो आपको दिखाते हैं कि वो कबूतर पड़ा है अभी, और ये साथ उसकी वो है यानी की कलेजी वगैरह है, बड़ी चीज। उस्मान ये कहाँ से लेके आए? नहीं नहीं ये काव कहाँ से लेके आए? गाजी खान, गाजी खान भाई निकालोगे जी? आपको बताते चले तो मैंने कुछ दिखा तो सही, आपको बताते चले कि जो हमारे सीएम साहब हैं वो भी तोंसा और डेरा गाजी खान की तरफ से हैं, ये उन्हीं के एक रिश्तेदार हैं जिन्होंने ये गिफ्ट दिया है अदील। दोस्तों ये काव के लिए जो है इन्होंने कबूतर ला के रखे हुए हैं, ये उसका खाना है। उस्मान भाई हमें बताएंगे कि कैसे उनको देते हैं। उस्मान बताइए ये कैसे, ऐसे ही आप जिंदा डाल देते हैं काब को या जीबा करके? हम इसको छोड़ देते हैं भाई उड़ने के लिए। अच्छा। और पीछे से बाज को छोड़ते हैं, खुद अपना शिकार करके खुद ही पकड़ लेता है, खुद ही पकड़ बाज फिर वापस आ जाता है, वो खा के पकड़ के इधर आके खुद खाता है। अच्छा अच्छा, ये डेली के कितने कबूतर खा देता है? एक खाता है या दो खाता है डेली के? डेली। अच्छा तो आप जो उसको पकड़ते हैं आपको कुछ नहीं कहता? नहीं हमें नहीं कुछ कहता, और कोई आया था? अच्छा मैंने वो तस्वीरें देखी हुई थी फेसबुक पे, हाथ पे रखा हुआ है उसे, तो कुछ भी नहीं कहता? हमें नहीं कुछ कहता। अगर मैं पकड़ूं तो आपको कहेगा? क्या कहेगा? आप पकड़ के देखें। ना कर यार ऐसे तो ना कर, मेरा बड़ा शौक था कि उसको पकड़ूंगा हाथ पे। आपका शौक भी पूरा करा यार, ये ना हो के मुझे जख्मी कर दे हाथ। ये देखे जी उस्मान शाह ने एक आपको जो है बाहर ले आया है, ये देखें जी ये बाज है जो कि उस्मान शाह ले आया है बाहर। अभी अनीस और एहसन भाई जो है इसके साथ पिक्स बनवा रहे हैं। बाढ़ लिया ना, लिया ना तेरी खैर नहीं। अरे बच के सही बना, डर जा क्यों पिया? तस्वीर भी बनानी तो डरना भी है। डरना वाली गल नहीं है कि हाल है, मैं पकड़ फिर उन्हें मैं फाड़ लेना तो फिर ये चीखा निकल वे बदतमीज। एहसन भाई इसके साथ खेल रहे हैं, इसके साथ एहसन भाई के साथ खेल लिया है ना, एहसन को पता नहीं लगना एहसन को क्या हुआ है। ओ माय गॉड, वैसे उन्हें खाना तो नहीं खादा होना अपना आज बाज ने, बस शाम का खाना तू ही बन रहा तेज तो कह रहे सैर से हो जा। यार जबरदस्त कमाल, काशिश का स्लोमो बनाओ यार। ओ हाँ स्लो, एक मिनट मेरा तरीका है, ये क्यों फल पर फैलाऊगा? ओए आसमान कहना नहीं, स्लोमो तो ला आ गया, बस यार स्लोमो तो लाता एक इधर आ, चल चल फोन बना, चल जबरदस्त तू शिकार है पुत्र, उड़न लगा जबरदस्त। असल मालिक तो मैं हुआ ना, मैं इसे समझता हूँ पुत्र, इन्हें वो तो ही समझ रहा चल पै गया मैंने भी इंटरव्यू देना है के बारे में, कोई पैगाम देना चाह रहे हैं मुझे, कब से कह रहे थे? अच्छा दो यार पैगाम देना है आपने, कुछ बोलना है जी? हाँ ये है मछली फार्म, इसमें 1500 मछली तैयार, 1500 जी। अच्छा, और इसमें बतखे रहते हैं, इस यहाँ पे इसकी गहराई 9 फुट है, और इसमें बतखे रहते हैं, और इसके आगे स्विमिंग पूल बन रहा है। यार तुम इतनी देर से कहाँ थे? हमें यही बंदा चाहिए था जो हमें मालूम दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं हम बताएं, चले बताएं। और इसके पार्किंग होगी यहाँ पे, रेलगाड़ी आएंगी जी बिल्कुल, यहाँ पे कश्तियां भी बहुत ज्यादा चलेंगी, 5-6 कश्तियां होंगी। अच्छा, और यहाँ पे घास लगा हुआ है। अच्छा,
फ्री में होगी या टिकट भी होगी उसकी? टिकट भी तो हमारे लिए भी टिकट होगी। नहीं आप लोग के लिए नहीं होगी। ये बात ठीक है, ये आपका प्यार है, मोहब्बतें हैं आपकी। आप ये करें कि पाकिस्तान के बारे में कोई आप पैगाम देना चाहते हो या अपने दोस्तों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में आपको पैगाम देना चाहते हैं तो नहीं। अच्छा चलें दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो हमारी जान है। एंड पे नारा हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आज हमें यहां पर घूम के बहुत ही मजा आया, कमर भाई की इधर बड़ा मजा आया, बहुत शुगर लगाया। कमर भाई से हमारी बात हुई है, वो जो है माजरत कर रहे थे कि मैं आपको टाइम नहीं दे सका। उन्होंने हमें बोला है कि जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर आप आना, मैं आपको टाइम भी दूंगा और इसके बारे में जो है आपको मजीद मालूम दूंगा। ये तकरीबन गर्मियों में ही स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। जो इनके ऑनर थे वो कह रहे थे कि वो ज़रा बिजी हैं, वो कंस्ट्रक्शन अभी अंडर प्रोसेस है तो वो उस मामले में ज़रा बिजी थे। वो कह रहे थे नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती होगी। और तीनों ने बास को जो डराया है ना, अभी हमने हाथ पे बिठा के उसके साथ जो है वीडियो क्लिप भी बनाने थे और पिक भी बनानी थी। वो न्यूज एंकर का नाम क्या था? ये हमारे शर्मीले भाई है, ये नहीं बोलते, ये हमारे। तो अभी हम चलते हैं, आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा, हमें तो बहुत ही मजा आया। जी इन्हें पता नहीं आया कि नहीं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब भी फतेहपुर में आए तो यहाँ का विजिट करें, आपको बहुत ही ज्यादा, ये फैमिली पिकनिक पॉइंट है। आप जब भी यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले सबसे एंड पे आपसे ये कहता हूँ कि ये जो आसिफ भाई का चैनल है इसे लाइक करना है, इधर कमेंट देना है, इसे सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर भी करना, फॉलो करना है और इसके साथ साथ शेयर करना है और शेयर भी करना है और इसको पूरी मोहब्बतें देना। अच्छा, बात करें भाई, बात करें। ठीक है फिर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नहीं गवाह।